जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर, डेली राशिफल लेकर, ये केवल दैनिक राशिफल नहीं है, आपके ग्रह गोचरों के अनुसार आसमान में जो ग्रह की स्थिति चल रही है उसके क्या शुभ और अशुभ प्रभाव आपकी जिंदगी में आज या आने वाले दिनों में चल रहे हैं, होने वाले हैं, उन सब का नित्य प्रति विश्लेषण कर आपको मैं आगाह करता हूं। ये केवल डेली राशि फल नहीं है, आपकी जिंदगी का तत्व है। किंतु यहां एक बात आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि इन ग्रह गोचर के अलावा आपके जीवन में जो आपकी जन्म कुंडली के ग्रह हैं, तो मान लीजिए अभी जैसे आसमान में शुक्र ग्रह बहुत अच्छा चल रहा है, तो सभी को शुक्र ग्रह के अच्छे फल प्राप्त होने चाहिए। किंतु जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब स्थान पर बैठा है, या जन्म कुंडली में नीच का है, या दुश्मनों के साथ बैठा है, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्रभाव मिलते हैं। ग्रह गोचर की स्थिति तो वही है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली की स्थिति में अगर विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं तो आपको वो प्रभाव नहीं मिल सकता। जिसकी कुंडली में ऑलरेडी शुक्र ग्रह अच्छा है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा ये प्रभाव प्राप्त होगा। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में जन्म कुंडली का जो ग्रह गोचर है और आपकी जो जन्म कुंडली है उसको समझने का प्रयास करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के ग्रह गोचर। मैंने जैसा कि आपको बताया, ग्रह गोचर का मतलब है कि आसमान में आज जिस समय की मैंने ये सुबह 4:30 बजे की जो कुंडली बनाई है उसके अनुसार आसमान में कौन से ग्रह किस राशि में स्थित हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, भगवान भास्कर सूर्यदेव इस समय उच्च के होकर मेष राशि में विराजमान है। चंद्र देवता भी उन्हीं के साथ मेष राशि में विराजमान है। शुक्र देवता जो हैं वृष राशि में यानी अपने ही घर में विराजमान होकर शुभ हैं। राहु जो हैं वो मिथुन राशि में विराजमान है, और जो केतु महाराज हैं वो धनु राशि में विराजमान है। मकर राशि में मकर राशि के स्वामी शनिदेव उनके साथ उच्च के होकर बैठे हुए मंगल देवता एवं नीच के होकर बैठे हुए बृहस्पति देवता भी मकर राशि में ही विराजमान है। और मीन राशि के अंदर जो बुध देवता है वो नीच के होकर विराजमान हो रखे हैं। तो इसके शुभाशुभ प्रभाव जो फल आपको मिलेंगे वो ग्रह गोचर के अनुसार ही मिलेंगे और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही प्रॉपर तरीके से प्राप्त होंगे। तो आइए यहां पर मैं एक जरूरी बात की आपको जानकारी दे दूं। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम आपको बिना किसी फीस के, बिल्कुल फ्री में, बिना किसी पूजा पाठ के पैसे लिए हुए आपको उपाय बताएं ग्रहों के। तो हमने आप लोगों के लिए शनि पीठ मंदिर की तरफ से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से, जिसकी डिस्क्रिप्शन यानी डाउनलोड का जो लिंक है हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप इस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के पश्चात स्वामी प्रिंस ऋषि और उनके दो असिस्टेंट, एक साधक हैं एक साधिका हैं, जो आपके परेशानियों के डायरेक्टली आपको उपाय भेज देंगे। जो भी आप परेशानी लिखेंगे तो उसमें आप अपनी बर्थ डिटेल, अपना फोटो और अपनी परेशानियां लिखें, आपको उपाय अवश्य ही भेजे जाएंगे। और साथ ही इनमें से कुछ लोगों को हम स्वयं अपने असिस्टेंटों के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करते हैं। यहां अब शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 24 अप्रैल सन 2020 वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। आसमान में जो योग बना हुआ है वो आयुष्मान नामक योग बना हुआ है, शुभ योग कहलाता है ये। जबकि नक्षत्र है वह भरणी नक्षत्र है, और राहु काल जो रहने वाला है वो सुबह 10:40 से 12:19 तक आज राहु काल रहने वाला है। तो इस राहु काल के दौरान आप कोई भी शुभ कर्म ना करें, प्रारंभ ना करें, शुभ कर्म करें।
इसके साथ ही एक छोटी सी आप लोगों से निवेदन ही है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे इस चैनल को ये रेड बटन और इसके साथ बेल का आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें प्रेरणा दें कि हम आपको एक से एक अच्छे वीडियो, जैसे अभी हमने वरदान और शाप की श्रृंखला में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो दिए थे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से शाप हैं या कौन कौन से वरदान भगवान ने लिखकर भेजे हुए हैं, और आप खुद ही अपनी जन्म कुंडली देखकर उन वरदान और शाप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं देखना था, जन्म कुंडली में इतने नंबर पर ये ग्रह लिखा हुआ है तो उस ग्रह का फल क्या है, मतलब उस ग्रह के अनुसार आपको कौन सा वरदान प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार बहुत आसान भाषा में हमने ये वरदान और शाप के कोई 40-40 वीडियो के करीब हैं जो रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डाले हुए हैं, आप उनको देखिएगा। वरदान और शाप डालेंगे तो शायद वो सारे वीडियो आपके पास आ जाएंगे। वरदान बाई गुरु रजनीश ऋषि, शाप बाई गुरु रजनीश ऋषि आप डालिएगा, आपको निश्चित ही वो वीडियो दिखाई पड़ेंगे और आप उनको देखकर अपने जीवन के बहुत सारे छुपे हुए राजों का पता लगा सकते हैं। ऐसी ऐसी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपको सपने में भी नहीं पता था कि आपके अंदर ये वरदान मिला हुआ है या ये शाप की वजह से आपका दुर्भाग्यशाली हो रखे हैं। तो आइए और अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के राशिफल के साथ। बात करते हैं कर्क राशि वालों के साथ। तो कर्क राशि वालों, आपका जो समय चल रहा है वो समय स्पष्ट रूप से आपके कार्य स्थल पर कुछ ना कुछ ऐसा करने का चल रहा है कि आप उसे आगे बढ़ा सकें। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, हालांकि जो संभावना दिखाई दे रही है इस समय, इस प्रकार की संभावना आपके परिवारजनों के आशीर्वाद से मिलती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आप शायद कोई सरकारी नौकरी में सफल हो जाएं, इंटरव्यू प्रमोशन इंक्रीजमेंट, या कोई सरकारी नौकरी के इंटरव्यू की खबर आपको आ जाए, कोई क्लियर एग्जाम क्लियरेंस की खबर आपको मिले, तो ऐसी संभावना स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई दे रही है आजकल के दौरान इन दिनों। तो आप इस शुभ सूचना का अगर अभी तक आपको नहीं मिली तो इंतजार करें, कुछ ना कुछ आपके फेवरेबल होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। किंतु भाई बहनों की अगर हम बात करते हैं तो भाई बहनों की साथ आपका तालमेल आपको शुभता प्रदान नहीं कर रहा है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपकी उलझने उनके साथ और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से काफी तनाव में आ सकते हैं, तनाव में चल रहे हैं। बात करते हैं माता के साथ आपके संबंध में, कि माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहिए, माता आपको आशीर्वाद दे रही है, नित्य प्रति माता का आशीर्वाद दो, अपने आप ही इनकम में वृद्धि होने लगेगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, कर्क राशि वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद मिल रहा है, उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इस समय पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैसे ही कोई शुभ सूचना हम बता ही रहे हैं कि कोई सरकारी नौकरी इत्यादि की मिलने की संभावना है। किंतु उन स्टूडेंटों की बात करें जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, या मेहनत करने के पश्चात भी अच्छे नंबर नहीं आते, माता पिता भी कृपया ध्यान दें, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए हम गारंटी से छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा, जो कि आपने साल में एक बार करना है, आपको गारंटी देते हैं कि आपके हर बार हर साल पिछली बार से ज्यादा नंबर आएंगे और आपके बच्चे का मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। किंतु साथ ही उन माता पिताओं से जिनकी संतान उनका अपमान करती है, उनकी बेइज्जती करती है, चाहे उस संतान की उम्र 12 साल हो या 60 साल, तो ऐसी सभी संतानों को अपने प्यार के वश में करने के लिए आपको छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय करना है, जो आपकी जन्म कुंडली, अगर जन्म कुंडली नहीं तो आपके चेहरों को देख के किया जा सकता है, जिसके द्वारा आपके जीवन में आपके संतान आपका सम्मान करे और आपको अपमानित ना होना पड़े, आपको मन में अशांति ना हो। तो उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप टाइम लेकर हमसे संपर्क करें, आप वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर जैसे आपकी इच्छा हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति तो आपको ज्यादा वरिड होने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप ख्याल अवश्य रखें,
किंतु आपके शत्रुओं की चिंता आपको जरूर करनी चाहिए कि आपके शत्रु आपका नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हमें हालात नजर आ रहे हैं वो कुछ यंत्र मंत्र क्रिया, अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपको यंत्र मंत्र के द्वारा या पूजा पाठ के द्वारा शायद कोई नुकसान पहुंचाने की प्रयास कर रहा है, तो अपने शत्रुओं से और स्पेशली छुपे हुए शत्रुओं से आपको सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो छुपे हुए शत्रुओं की बात कर रहा हूँ उस समय, केवल जिनके बारे में आप जानती हैं मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा। बात करते हैं जीवन साथी के साथ, और जीवन साथी के साथ आपके संबंध इस समय के दौरान मधुर रहने की संभावना बनी हुई है, और जीवन साथी के साथ आप आनंद पूर्वक जीवन गुजारे इससे अच्छी कोई बात हमारे लिए तो हो ही नहीं सकती। किंतु यहां बात कर लेते हैं जिन व्यक्तियों की शादी में अड़चन आ रही है, शादी की उम्र निकली जा रही है, बाल सफेद पड़ते जा रहे हैं, रिश्ते वाले आते हैं रिजेक्ट करके बार बार चले जाते हैं, आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये स्थिति जो है आपके गृह दोष के कारण है, और यहां आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करने हैं, जिन उपायों को करकर आप शीघ्र अपने जीवन में जीवन साथी की प्राप्ति कर सकते हैं और शादी का लड्डू खा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर फोन कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर छोटे से एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने हैं और अपने जीवन में खुशियां लानी है। और यहां स्पेशली मैं बात कर रहा हूं कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वालों के को भी पता है कि अच्छा संबंध चल रहा है इस समय, किंतु ये संबंध आपके बार बार जो आंसुओं से रोती हैं आप अपने संबंध को लेकर, क्योंकि आपके जो जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति है वो थोड़ा बुलिंग है, थोड़ा सा आपको डोमिनेटिंग फील होता है, और सच में है आप गलत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें स्पष्ट दिख रहा है कि आपके जो जीवन साथी है वो काफी डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से आप चुपचाप रोती रहती हैं, अपने जीवन को कोसती रहती हैं, आत्महत्या के प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोग को मैं कहना चाहूंगा कि जिनके जीवन में तनाव बहुत है, बात बात पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, मारपीट होती है, ऐसे सभी मियां बीवी पति पत्नी अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए, अपने परिवार में खुशियां लाने के लिए अपने जीवन साथी से संबंधित रतन की एक अंगूठी को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत करवाकर अगर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके परिवार में खुशियां आएंगी, आपकी ग्रह कलेश जो होगी वो कम होगी। और ऐसी जो अंगूठी है अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे यहाँ से अपना साइज बताकर मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित जागृत करवाकर स्वयं ले जा सकते हैं, या पूरी दुनिया में घर बैठे कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम उस अंगूठी को आपको आपकी पूरी दुनिया के 133 देशों में भेजते हैं। मेरा नाम विनीता है, मैं यहाँ पर अजीत नगर से आई हूँ। मुझे किसी ने यहाँ पर बताया था तो मैं अपने बेटे को लेके आई थी यहाँ पर, तो उन्होंने मतलब अच्छा करा, उसका जो लॉकेट बनाया 6-7 महीने तक उनका अच्छा रिस्पांस आया। तो अभी मैं दोबारा आई हूँ तो उन्होंने बोला कि हाँ आगे तक अच्छा रिस्पांस जाएगा, पढ़ाई में भी अच्छा है और आगे भी हर काम उसका अच्छा निकले। बात करते हैं भाग्य की दृष्टि से, तो भाग्य की दृष्टि से जो समय चल रहा है वो आपको शुभता नहीं प्रदान कर रहा है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, कोई ऐसा फैसला ना लें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। कार्यस्थल के हालात आपके बिल्कुल अनुकूल चल रहे हैं, कोई खुशखबरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आमदनी के हालात आपके बिल्कुल फेवर में हैं। और आखिर में मैं बात करूंगा उन लोगों की जो संतान संबंधी पीड़ा से परेशान है, मतलब संतान नहीं हो रही है, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं मगर कोई हल सामने नहीं आ रहा, या उन लोगों की बात करें जिनकी बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं मगर डॉक्टरों के पास भी कोई इसका हल नहीं निकल के आ रहा है, तो ऐसे सभी निसंतान दंपतियों से हम कहना चाहेंगे कि अब आपको दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। तो इन दुआओं को प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा हमें अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के द्वारा आपके जीवन में संतान रूपी खुशियां प्राप्त कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। वो भी आपने कोई बार बार उपाय नहीं करने, साल में एक या दो बार आपने उपाय करने, उसके से ही आपको आराम आने लगेगा। तो आप हमसे वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल
या स्वयं मिलकर जैसे आप चाहें वैसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अंत में मैं बात करना चाह रहा हूं आपकी मानसिक उलझनों की। तो कर्क राशि वाले लोग, आप मानसिक उलझनों से पार आने का प्रयास करो। मैं जानता हूं आप बहुत परेशान है, मानसिक रूप से उलझन है कि आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, इस समय तो कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ी है और वो भी आजकल से नहीं, काफी समय से ऐसा चल रहा है। तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग अवश्य बनाएं, क्योंकि अगर आपके ग्रह मजबूत होंगे तो ये उलझने भी आपको परेशान नहीं कर सकती। हालात आपके कंट्रोल में रहेंगे तो आप वैसे ही खुश होने लगेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, एस्ट्रोलॉजी के छोटे से वैदिक उपाय करके आपको अपने आप को, अपने ग्रहों को स्ट्रांग बनाना है, दैट्स ऑल। तो उन ग्रहों को स्ट्रांग बनाकर आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में, जो प्रेम संबंधों में निराश हो रहे हैं, चाहे निराशा जो है वो धोखेबाजी की वजह से हो रही है, चाहे आपको लगता है कोई तीसरा आपके प्रेम संबंधों के बीच में घुस गया है, या आपको लगता है कोई कुछ जादू टोना करके आपके प्रेम संबंधों को खराब करने का प्रयास कर रहा है, या आपके जो साथी है जिससे आप प्रेम करते हैं उसका मन आपसे भर गया है, वजह कोई भी हो, तो ऐसे सभी युवक युवतियां अपने प्रेम संबंधों में वापस खुशियां लाने के लिए, अपने प्रेम संबंधों को रिवाइव कराने के लिए बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर हमसे संपर्क करें। हमारे यहाँ किसी प्रकार की बलि, बकरे की, उल्लू की, मुर्गों की, सियार सिंह की आदि या पूजा पाठ के खर्चों के नाम पर आपको उल्लू नहीं बनाया जाता है। प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो साल में आपने एक दो बार करने होते हैं उसके द्वारा आपके जीवन में खुशियां प्रदान करने की भरपूर कोशिश की जाती है और अवश्य आपको धीमे धीमे करके खुशियां मिलने लगती हैं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।